हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बाढ़ की समस्या का निकालेंगे अस्थायी हल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के 3,48,511 किसानों के खाते में डाले 113 करोड़ 21 लाख रुपए। कहा, नहीं होने देंगे किसानों के साथ नाइंसाफी, दंडित होंगे ऐसा करने वाले। पूर्वांचल के विकास के लिए दीर्घकालीन, मध्यकालीन एवं अल्प विधि की बने कार्य योजना। पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक में उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा, 30 अक्टूबर तक कोई भी दे सकता है अपना सुझाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के बाढ़ प्रभावित किसानों के खाते में किया ऑनलाइन राहत राशि का भुगतान। प्रभावित किसानों से की बात, कहा, बाढ़ का स्थायी समाधान ढूंढ रही है सरकार, जल्द मिलेगा बाढ़ से राहत। मिशन शक्ति अभियान के तहत गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र के तत्वावधान में कचहरी बस स्टेशन पर आयोजित हुआ जन जागरूकता कार्यक्रम। महिला परिचालकों को डीएम ने किया फर्स्ट एड किट का वितरण, कहा, अपने अधिकार के लिए आगे आए महिलाएं। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडल स्तरीय उद्योग बंधुओं की बैठक, उद्यमियों की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश। पहल गोरखपुर एवं ब्लड बैंक बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के द्वारा सीआरसी में आयोजित प्लाज्मा दान शिविर में कोविड 19 से जंग जीत चुके कोरोना योद्धाओं ने अपना प्लाज्मा किया दान। जिलाधिकारी के विजय पांडे ने दान दाताओं का किया उत्साहवर्धन। बगैर अनुमति के डीएम को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों और पुलिस कर्मियों के बीच हुई नोकझोंक को लेकर आक्रोशित कांग्रेसियों ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी साउथ को सौंपा ज्ञापन। एसपी साउथ ने जांच के बाद कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। नवीन महवा मंडी समिति के तत्वावधान में 23 अक्टूबर को महवा मंडी में लगाया जाएगा जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी। सिटी मजिस्ट्रेट ने लोगों से की अपील, कहा, प्रदर्शनी में पहुंचकर उठाया जैविक उत्पादों का लाभ। जिला चिकित्सालय का प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने गहनता पूर्वक किया निरीक्षण, छोटी मोटी कमियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश, कहा, स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखे अस्पताल परिसर का वातावरण। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 97 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,392, एक्टिव मरीज हुए 1,303। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को अतिशीघ्र पूरा करने की मांग। दिवाली पर फुटकर पटाखे की अस्थायी दुकान लगाने की मांग को लेकर फुटकर पटाखा व्यवसायियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, शासन के गाइडलाइन के आधार पर ही दिया जाएगा पटाखा बाजार का परमिशन। और नवरात्र के छठे दिन गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में मां दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी माता की गई विधि विधान से पूजा अर्चना, आरती के बाद किया गया प्रसाद वितरण।